राहुल गांधी बोल रहे माओवाद की भाषा, ममता कर रही घुसपैठियों का समर्थन, बंगाल में बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी पर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के लिए खतरनाक है, क्योंकि वे प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं। अमित शाह के साथ सीक्रेट मीटिंग पर राजा भैया ने किया बड़ा खुलासा, जाने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भले ही छठे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन यहां सियासी पारा अभी से हाई है। कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव 2024 में न्यूट्रल रहने का फैसला किया है, यानी वो ना बीजेपी का समर्थन करेंगे और ना ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। हालांकि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर गर्म हो गया था। जेल में बंद अलगाववादी अमृतपाल सिंह को मिला माइक, जाने पंजाब के सीट से लड़ रहा चुनाव। वारिस पंजाब दे के चीफ और जेल में बंद कट्टरपंथी सिख नेता अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने अमृतपाल सिंह को माइक चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। वह कुल 328 उम्मीदवारों में से 169 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों में से था जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। वहीं पंजाब की सभी सीटों पर 1 जून को मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। क्या है भारत सेवा श्रम संघ, जिसे लेकर पीएम मोदी ममता बनर्जी में छिड़ा सियासी बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली के दौरान टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम और इस्कॉन के लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ममता बनर्जी ने भारत सेवा आश्रम संघ पर बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया था। असुद्दीन ओवैसी के निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का किया जा रहा दावा, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई। लोकसभा चुनाव के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के मतदाताओं ने तेलंगाना के बहादुरपुरा मतदाताओं के बदले खुद फर्जी वोट डाल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर परवीन त्यागी ने फेसबुक पर इस वीडियो को पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, AIM बहादुरपुरा हैदराबाद असुद्दीन ओवैसी का निर्वाचन क्षेत्र यानी तेलंगाना का, कृपया इसे वायरल करें ताकि चुनाव आयोग द्वारा पुनः चुनाव कराया जा सके। मैंने कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी 29 सीटों पर 4 फेज में मतदान संपन्न हो चुका है। इस बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर हर मसले पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तंज कसा। पीएम मोदी बहुत पावरफुल है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल का जिक्र कर प्रधानमंत्री पर कसा तंज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के बाद से लगातार बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। केजरीवाल ने यह दावा किया कि उन्हें जेल में इसलिए बंद किया गया क्योंकि जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वह बीजेपी नहीं कर पा रही है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे गाजीपुर की धरती पर अंसारी परिवार का सीएम मोहन यादव का निशाना। गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रविवार यानी 19 मई को गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यादव वोटर्स को साधने की कोशिश की। गाजीपुर में यादव वोटर सबसे बड़ी संख्या में हैं। और उनकी संख्या करीब 450,000 है। मोहन यादव जंगीपुर विधानसभा के शेखपुर में पहुंचे थे क्योंकि जंगीपुर विधानसभा में यादव वोटर सबसे अधिक संख्या में है। शेखपुर के यदुवंशियों ने मोहन यादव का स्वागत कैतरी की दही से किया। मुसलमानों के आरक्षण वाले लालू यादव के बयान से जयराम रमेश का किनारा, पटना में बताई कांग्रेस की नीति। राजधानी पटना में रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के आरक्षण वाले लालू यादव के बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में जो आरक्षण का प्रावधान है आर्थिक और सामाजिक स्तर पर दिया गया है। नागरिकता भी धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती है, बीजेपी ने दिया है। आरक्षण का स्वरूप भी तैयार होगा और जब पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होगी। कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे पीएम मोदी, 24 मई को होगी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। यहां वे मंडी में
एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की यह जनसभा मंडी के पड्डल मैदान में होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जनसभा को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कंधों पर होगी।